Yeah, it's a story of a UP guy that realized that there's no reason to worry about whether you're a gangster or not. You do what you do. जो आपको करना है, जो जरूरी है, आप कभी किसी को अपने आप को रोकना नहीं चाहिए. दूसरे आपको रोकने के लिए बहुत निकलेंगे, आप अपने आप को खुद मत रोको. इसका जो विल है, इसकी जो ड्राइव है, बस वही ही है. ये नहीं कि वो ज़्यादा सोचता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. अपने पूरे कन्विक्शंस के साथ निकलता है. और कोई उसका मदद करे तो उनका दोस्त है, कोई उसको रोके तो उनको गोली चला देता. सबसे पहले बात करें हम इस फिल्म के बारे में, तो आपको मैं एक तीन शब्द में बताऊँ, ये पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा है. अब पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा की जब बात होगी तो जाहिर सी बात है बात होती है उत्तर प्रदेश की. मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के हालात को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान के हालात को. बहुत खूबसूरत सा एक्टर वैसा नहीं चाहिए था, इसलिए अरुणोदय को खूबसूरत होते हुए मैंने उनको बड़े बड़े बाल दे दिए और उनको बढ़ा कि आप थोड़ा स्ट्रगल करें, आप दाढ़ी बढ़ाएं, एक कैरेक्टर में आएँ. मुझे उस कैरेक्टर की इतनी ज़रूरत थी, क्योंकि एक आम आदमी से जुड़ाव तब होगा कि एक आम आदमी जो आप देखें आप कैसे जी रहे हैं. Well, it is not every day you get a chance to play chief minister of any state like Bihar or UP or Madhya Pradesh. So it is something that was a challenge for me because I am completely alien. I mean, I live in Bombay and I'm completely urban. On Ishraq ne mujhse kaha ki no, only you can play this role, chief minister of UP. UP bhasha seekhna padega and you will have to transform into a power hungry पॉलिटिशियन. मैंने इसमें प्रभुनाथ पांडे का किरदार किया हुआ है, जो इस फिल्म के हीरो हैं अरुणोदय मुन्ना, उनका फिल्म में नाम होता है मुन्ना सिद्दीकी. तो परवरिश मेरे द्वारा होती, मेरी देख रेख में उसकी परवरिश होती है, और जिस तरह के मेरे उसूल है, मेरी ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा है, मैं भी उसको उसी तरह से सिखाता हूँ. लेकिन जाके वो बाद में मुझे नसीहत देने लग जाता है इस तरह, क्योंकि जिस तरह का माहौल कस्बों में और विलेज में हो जाता है, तो वो नहीं चाहता कि मेरी तरह की ज़िंदगी जिए. वो तो अपने उसके आगे बढ़ के उसके अपने उसूल और अपनी ज़िंदगी है, तो वो अपने तरीके से जीने लग जाता है. मेहनत तो हर बार करनी पड़ती है. इसमें हम लोग ने मेहनत की कि लोकल हो लेकिन डायलेक्ट जैसे नहीं लगे, ताकि सबको समझ में आए आसानी से. क्योंकि जितनी कमाल की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, बहुत सारे लोगों थे जिनको पूरा समझ में नहीं आया क्योंकि बोल क्या रहे हैं. और ये हम लोगों को, क्योंकि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर है, हम लोग कुछ छोटे हैं, तो ऐसे सोचे कि कहानी ज़्यादा ज़रूरी है और बताने की कि इस जनरल इलाके की कहानी है, मतलब पूरी बारीकी से, मतलब इसी गाँव में जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करना, उसकी ज़रूरत नहीं थी. तो मेहनत करनी पड़ी लेकिन उतनी नहीं. एक्चुअली आई एम क्वाइट गुड विद लैंग्वेजेस, सो उनकी ट्रेनिंग के साथ काफ़ी आसानी से मतलब आ गई. एक्चुअली मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश में के आसपास इर्द गिर्द हमारे हिंदुस्तान की काफ़ी ज़बानें जो टच करती है, तो ऐसा दिक्कत तो नहीं हुई उन्हें बात करते हुए और बोलते हुए. वो जो यूपी का एक पूरी तरह से अवधि को हमने इस्तेमाल नहीं किया, एक लहजा है, थोड़ा सा टच है एक यूपी का, कि लगता है कि कहानी यूपी की बस. मूवी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है लेकिन ठीक पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है. इस फिल्म का बस ये दिखाना है कि हम लोगों की ज़िंदगी में और जो छोटे शहर हैं उनके उनमें जो लड़के हैं, कितना पोटेंशियल जाता है बिल्कुल बर्बाद, क्योंकि उनके लिए कुछ छोड़ा नहीं गया. सब लोग छीन छीन के जी रहे हैं, और अगर उनको कुछ अच्छा करना है, आगे जाके पढ़ना है, स्कूल एडमिशन्स के लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, अगर अस्पताल में इलाज ठीक से कराना है उसके लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, आपको कहीं नौकरी चाहिए उसके लिए भी आपके कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, तो ये बेचारे क्या करें. तो मेरा किरदार जो है, जब वो बड़ा होता है तो वो देखता है कि ज़िंदगी ये जो लोग सिखाते हैं ना, ये है नहीं ज़िंदगी, है आप या शेर हो या हिरन हो. एक बार डिसाइड कर लो क्या हो और फिर पीछे मत हटना, क्योंकि दोनों को खाने खाने के लिए भागना पड़ता है. मैं शेर बन के भागूंगा. अपने जो लोग हैं, मेरे जो परिवार है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके लिए मैं जितना कर सकूं उतना करूंगा, चाहे कोई भी रोकने की सोचे. इसलिए वो एक बुरा आदमी बनता है, क्योंकि वो समझता है कि दूसरों के ओपिनियंस के साथ अगर जियोगे, उनके नियम्स के साथ अगर जियोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला.